हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर्स। तो गाइस, आज वापस एक बार ऐसी लोकेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए जो कि आपका वेकेशन और वीकेंड एंजॉय करने के लिए मस्त प्लेस रहने वाला है। नियर बाय टिटवाला और नियर बाय मुंबई, ठाणे, नासिक से नज़दीक आपको ये लोकेशन पड़ने वाला है जिसका नाम आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, SP आई लव SP फार्म हाउस। तो स्वानंदी फार्म हाउस पे आज हमने विजिट किया हुआ है। यहाँ का पूरा लोकेशन आपको एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और बताना जरूर कि कैसे लगा ये ब्लॉग और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या नहीं। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं कैसे फार्म हाउस और क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए मिलती है। सो लेट्स गो। तो गाइस, आई होप मैंने जो ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आपको यहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की, वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी कुछ मेरे साइड से कुछ बातें बताने की बाकी रही होगी, तो यहाँ के जो फाउंडर है उनसे आप बात करने वाले हैं और उनके थ्रू जानने वाले हैं कि यहाँ पे जो ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंटेशन, चेक इन चेकआउट प्रोसेस, अबाउट फूड, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनसे जान के लेने वाले। सो चलो मिलते हैं उनको। और हेलो सर। सो स्वानंद सर अभी अपने साथ है, इस स्वानंदी फार्म हाउस के ओनर। सो सर, यहाँ पे जो चेक इन चेकआउट प्रोसेस रहता है वो किस हिसाब से रहता है? तो वैसे चार टू चार टाइम रहते हैं। ओके, 24 घंटे। तो शाम को 4 बजे चेक इन करना है और दूसरे दिन 4 बजे चेकआउट रहेगा। जैसे चेक इन कर लिया यहाँ पे तो क्या फैसिलिटीज आपने यहाँ से प्रोवाइड की जाती है? 4 बजे आते हैं, उसके बाद 5-6 बजे अपना स्टार्टर रहता है, चना कोली वड़ा, अंडा बॉइल, चिकन फ्राई रहता है। रात को खाना रहता है, उसमें मटन रहता है, चिकन और बाकरी रहता है अपना। तो और दूसरे दिन वापस, दूसरे दिन सुबह नाश्ता रहता है और 2 बजे फिर खाना रहता है, उसमें झींगा रहता है और चिकन रहता है। तो दूसरे दिन जैसे लंच, ब्रेकफास्ट और लंच होने के बाद शाम को वापस चेकआउट करना है, चेकआउट हो जाएगा। सो ओके। और लोकेशन पे या फिर इस फार्म हाउस पे गेस्ट को एमिनिटीज क्या क्या है? जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा पूल तो है ही आपके लिए, तो पूल है और क्रिकेट है, फुटबॉल है। ओके, तो आउटडोर गेम्स भी अरेंजमेंट है यहाँ पे।
तो मतलब आपका अगर डे ट्रिप आपको एंजॉय करना है यहाँ पे तो पूल है तो पूरी, और आपने खास खाते थे अपना रेंडांग, रेंडांग भी आपने पास हो, ओके सबके पास नहीं रहता लेकिन आपके पास है। और ऐसे डीजे लाइट वगैरह भी दिख रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो गाइस जैसे अगर आपको कोई इवेंट एंजॉय करना है यहाँ पे लाइक फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको एक वीकेंड एंजॉय करना है या फिर डे ट्रिप एंजॉय करनी है तो भी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मतलब पूरे फोटेज में वो दिखा ही रहेगा, रेन डांस के अरेंजमेंट है, म्यूजिक सिस्टम। सर यहाँ पे जो हम अकोमोडेशन गेस्ट को जो प्रोवाइड करते हो किस कैटेगरी का है या फिर क्या क्या फैसिलिटीज रहती है उसमें? नॉन एसी अकोमोडेशन है अपने पास। तो गाइस अगर आप बारिश के टाइम पे वगैरह आते हैं यहाँ पे और आपको नॉन एसी अकोमोडेशन भी चाहिए तो भी वो प्रोविजन यहाँ पे, एसी अकोमोडेशन चाहिए तो वो भी प्रोविजन यहाँ पे है। तो आई होप आपको ये पूरा ब्लॉग और इस लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज आपके मन में रहती है या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो कैप्शन में यहाँ की बुकिंग डिटेल्स, यहाँ के जो ओनर है इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई रहेगी तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। और गाइस आपके लिए एक खुशखबर रहेगी, अगर आप ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर का रेफरेंस इनको देते हैं तो आपको आपकी जो बुकिंग अमाउंट रहेगी यहाँ पे उसके ऊपर 10% डिस्काउंट रहेगा, कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू फॉर विजिटिंग, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर वेबसाइट लिंक to support us.